जब जैसे हमारे हिंदू परंपरा में चित्रेखा जी एक विधि है ही करने का तेरह दिन ये हम तेरह दिन ही क्यों करते हैं देखिए ऐसा शास्त्र की मान्यता है कि जब मृत्यु होती है ना तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म के तुरंत बाद ट्रांसफर हो जाती है दूसरी बॉडी में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं और दूसरा शरीर धारण का भी ये कोई नियम नहीं है कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो नेक्स्ट जन्म में भी मैं मनुष्य बनूंगा हो सकता मैं पशु भी बन जाऊं, हो सकता है मैं देवता भी बन जाऊं, ये मेरे कर्मों पर निर्धारित करता है तो कुछ ऐसी हैं जो दो चार दिन उनको लगता है कर्मों के अनुसार अपनी नई बॉडी खोजने में इसलिए तेरह दिन का हम एक समय रखते हैं उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं कि इसमें अगर कोई भी आत्मा अगर किसी कारण से अटक रही है उसको एक शरीर नहीं मिल पा रहा है तो हम तेरह दिन तक पूरी विधिवत पूजा करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिल जाए और वो आत्मा भटके ना तो इसलिए तेरह दिन का विधान है लेकिन हो सकता है कि तेरह दिन से पहले भी तुरंत वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जा सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि कई कई सालों तक भी नहीं जाती है क्योंकि शास्त्र कहते हैं हैं धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि जहां पर कई दिनों तक वो भटकता रहा और तब महाराज उसकी मुक्ति हुई तब उसका उद्धार हुआ तो सिर्फ इसीलिए आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए उसके लिए विधि विधान से पूजा की जाती है ऐसा भी बिल्कुल बनती है आप मानते भूतों में। मैं भूतों में नहीं मानती मतलब ऐसा कि मुझे कभी कोई अनुभव हुआ हो या मुझे लगता हो कोई दिखेगा ऐसा नहीं मानती लेकिन भूत प्रेत नहीं होते ये नहीं है मैं जिस भागवत की कथा गाती हूँ उसकी शुरुआत ही धुंधकारी से होती है धुंधकारी की कथा क्या है धुंधकारी एक प्रेत था मतलब पहले मानव था उसने बहुत गलत काम किए वैश्यावृति की जिंदा लोगों को जला देता था तो बहुत बड़ा दैत्य बना मर के एक ब्रह्म राक्षस बना अब जब वो राक्षस बना तो उनके भाई थे गौकर्ण महाराज तो गौकर्ण महाराज को उसने जाके रात को सपना दिया बॉडी ट्रांसफर करता रहा कभी बिल्ली के रूप में भैंसे के रूप में उनके सामने आता था बोल नहीं पाता था क्योंकि प्रेत बोल नहीं सकते पर गौकर्ण महाराज में शक्ति थी भक्ति की तो उन्होंने जल उसके ऊपर डाला बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे उद्धार चाहिए तो उद्धार कैसे हमारे यहाँ मानते कोई आत्मा हो कोई पित्र हो तो उनके लिए गया में पिंडदान करो और उससे उद्धार हो जाता है तो गौकर्ण महाराज को पता था ब्रह्म राक्षस है एक बार से तो कुछ होना नहीं तो उन्होंने कहते सौ बार पिंडदान किए उसी एक आत्मा के उद्धार के लिए नहीं हुआ फिर भी ब्रह्म राक्षस बना रहा तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आदेश दिया कि तुम इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत कराओ ये सात दिन कथा सुनेगा भागवत श्रवण करेगा और तब इसका उद्धार हो तो उन्होंने भागवत कराई अब गांव में भागवत हुई अब प्रेत कैसे बैठे भागवत में क्योंकि प्रेतात्मा ये जो सब जो भी होती है ये अच्छी जगह से बचती है ये जा नहीं सकते वहां पर इनकी एंट्री नहीं है आपने जो कहा ना भूत प्रेत को मानते हो ना मानने का मेरा मतलब यह है मैं कृष्ण भक्त हूँ वैष्णव परंपरा से हूँ ब्रज से हूँ तो हम ब्रज वाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूत पकड़ लेना उसको कोई भूत नहीं पकड़ सकता <laughs> क्योंकि नंद का पूत एक सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण शक्ति रखने वाला है तो इस कारण से जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ भूत प्रवेश की प्रवेश एंट्री नहीं है तो कैसे कथा सुने तो उसने एक ऑप्शन चुना वहाँ एक बांस था उस बांस में वो घुस गया ताकि मैं छुप के बैठ के कथा सुन सकूं और सात दिन तक उसने वहां कथा सुनी सात दिन के बाद वो बांस फटा और तब उसके लिए विमान आया और उसको लेकर के भगवत धाम गए तो प्रेत होते हैं ऐसा नहीं कि नहीं होते लेकिन जो भगवान को मानने वाला होगा ना तो प्रेत उसको कभी छू सकते हैं ना उसको से डरने की आवश्यकता क्योंकि उसके पास भगवान का नाम है